गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज की कक्षा में हम लोग असेसमेंट से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। आप लोग को पता है कि आप लोगों का असेसमेंट होने वाला है और बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने सिलेबस लिखा दिया है, उन्हीं पाठों के भीतर से प्रश्न आएंगे, तो आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। इसके अतिरिक्त मैं कुछ प्रश्नों का अभ्यास आप लोग को करा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पाठ गद्य से है, उसी से मैं पहले पाठ को मैंने लिया है, नेताजी का चश्मा। बहुत बार मैंने मौखिक अभ्यास कराया है, आज लिखित अभ्यास करा रहा हूँ। तो नेताजी का चश्मा पाठ से हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा। प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद स्वयं प्रकाश महादेवी वर्मा। यहाँ चार विकल्प दिए हुए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन हैं? कौन है? विकल्प है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, स्वयं प्रकाश या महादेवी वर्मा। यहाँ चार विकल्प, आप लोग को पता ही है कौन है, स्वयं प्रकाश। मैं अगले प्रश्न पर चला जा रहा हूँ। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? इसके विकल्प हैं सन 1945 में, 6 नंबर विकल्प है सन 1946 में, हमारा दूसरा विकल्प क्या है सन 1946 में, 9 नंबर विकल्प है सन 1947 में, और हमारा घ नंबर विकल्प क्या है सन 1948 में। यहाँ चार विकल्प दिए हुए हैं, स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? सन 1945 में, सन 1946 में,
1947 में, सन 1948 में। तो उत्तर क्या होगा? सन 1947 में। हम लोग अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे चार विकल्प कौन कौन से हैं? भोपाल में, इंदौर में, कानपुर में दिल्ली में। ये हमारे चार विकल्प हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? भोपाल में, इंदौर में, कानपुर में या दिल्ली में? हमारा उत्तर क्या होगा? इंदौर में। आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ। हम लोग अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? हमारा विकल्प है, हमारा पहला विकल्प है 11, 12, 13, 17। तो यहाँ पर चार विकल्प दिए हुए हैं। स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? एक नंबर है 11, दो नंबर है ख नंबर है 12, 13 और घ नंबर है 17। कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही, 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहा हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कौन सा कहानी
इनमें से कौन सा कहानी संग्रह स्वयं प्रकाश का नहीं है? नहीं है हमारे विकल्प हैं हमारा विकल्प है सूरज कब निकलेगा सूरज कब निकलेगा आदमी जात का आदमी उसके पश्चात है संधान उसके पश्चात है पिंजरे की उड़ान देखिए यहाँ पर प्रश्न है इनमें से कौन सा कहानी संग्रह स्वयं प्रकाश का नहीं है यहाँ पर चार विकल्प दिए हुए हैं सूरज कब निकलेगा आदमी जात का आदमी संधान पिंजरे की उड़ान तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा पिंजरे की उड़ान इसका उत्तर है पिंजरे की उड़ान तो आज की कक्षा में हम लोगों ने इन पांच बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास किया आगे की जो हमारी कक्षाएं होंगी इसी तरह से हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों और जो और प्रश्न हैं उनकी हम लोग चर्चा भी करेंगे और अभ्यास भी करेंगे तो मिलते हैं अगली कक्षा में और बाकी के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करते हैं।